हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बंकर स्टडी पॉइंट। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे वॉल्व और उसके डिफरेंट टाइप्स के बारे में। वॉल्व होती है वो हमारी यूज़ होती है टू कंट्रोल द पैसेज ऑफ फ्लूड और एयर थ्रू पाइप और डक्ट। जो वॉल्व आती है हमारे काम आती है, हमारे कोई भी लिक्विड या पाइप के या डक्ट थ्रू फ्लो कर रहा है उसके कंट्रोल करने काम। वॉल्व की हेल्प से हम अपने फ्लूड की डायरेक्शन, वेलोसिटी या फिर प्रेशर उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। मेनली तीन टाइप की वॉल्व होती हैं, डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व, प्रेशर कंट्रोल एंड फ्लो और स्पीड कंट्रोल वॉल्व। इस वीडियो में हम डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व के बारे में पढ़ेंगे। जो डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व होती हैं ये मेनली यूज़ होती है हमारी फ्लूड की डायरेक्शन चेंज करने के लिए। डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व दो टाइप में होती है, एक रोटेटरी स्पूल डीसी वॉल्व एंड सेकेंड इज स्लाइडिंग पिस्टन डीसी वॉल्व। हम पहले देखते हैं रोटेटरी स्पूल। रोटेटरी स्पूल वॉल्व में एक स्पूल होता है। स्पूल जो हमारी फ्लो की डायरेक्शन होती है वो हमारी स्पूल की पोजीशन पे डिपेंड करती है। ये वर्क कैसे करता है? रोटेटरी स्पूल वॉल्व में हमारे चार पोर्ट्स होते हैं, पी, आर, ए और बी। ए हमारा प्रेशर पोर्ट, आर है रिजर्व। तो जो हमारी पहली पोजिशन है, आप वीडियो में देखिए, जो हमारा फ्लूड है वो पी पोर्ट से आ रहा है और हमारे रोटेटरी स्पूल में के अंदर हमारे पैसेज होते हैं। उन पैसेज के हमारा जो फ्लूड है वो पी से आते हुए पैसेज के थ्रू होते हुए जो ए वॉल्व है उससे चला गया और सिमिलरली दूसरी वॉल्व में आ रहा है। जो हमारा फ्लूड है, लो प्रेशर फ्लूड है, वो बी से आ रहा है, बी से आते हुए हमारे आर रिजर्वॉयल इसमें चला गया। जो हमारा जो स्पूल है ये रोटेट कर सकता है। जब हम इसको एंटी क्लॉक डायरेक्शन में रोटेट करेंगे तो जो इसकी पोजिशन है आप वीडियो में देखिए, ये न्यूट्रल पोजीशन पोजीशन पे आ चुका है। न्यूट्रल पोजीशन में क्या होता है, जो हमारा फ्लूड है पी से जो फ्लूड आ रहा है वो आया, पर जो हमारा ए वॉल्व है वो ए वॉल्व हमारी स्पूल से कवर्ड है, तो हमारे फ्लूड को कोई डायरेक्शन नहीं, हमारे फ्लूड कहीं भी उसको आउटपुट की जगह नहीं मिल रही है, तो हमारा फ्लूड कहीं नहीं जाएगा। सिमिलरली बी वॉल्व है, बी वॉल्व है वो भी हमारी कवर्ड है, तो जो हमारा फ्लूड है वो भी किसी आर वॉल्व के थ्रू आउट नहीं जा पाएगा। न्यूट्रल पोजीशन में हमारे सारे पोर्ट्स मीन्स ब्लॉक हैं, तो इसमें फ्लो की कोई भी डायरेक्शन नहीं होगी। इसे अगर हम दोबारा एंटी क्लॉक डायरेक्शन में अगर घुमाते हैं तो जो हमारी जो पोजीशन है, अब इस पोजीशन में हमारे पी और बी जो हमारे वॉल्व है वो कनेक्टेड है। जो हमारा हाई प्रेशर पंप, हाई प्रेशर फ्लूड है वो पी के थ्रू आ रहा है और वॉल्व बी से बाहर जा रहा है। सिमिलरली ऐसे ही हमारे ए और आर कनेक्टेड हैं। जो हमारा फ्लूड है वो ए से आ रहा है, वो ए से होते हुए और आर के थ्रू बाहर निकल रहा है। तो जो हमारी रोटेटरी स्पूल वॉल्व में जो हमारी डायरेक्शन ऑफ फ्लूड है वो डिपेंड करती है हमारी स्पूल की पोजीशन पे। हम स्पूल की पोजीशन कंट्रोल करके हमने फ्लूड डायरेक्शन कंट्रोल कर सकते हैं। सेकंड है स्लाइडिंग पिस्टन वॉल्व। जो स्लाइडिंग पिस्टन होता है इसमें एक हमारी पिस्टन होती है। जो हमारी पिस्टन होती है वो हमारी लेफ्ट और राइट मूव कर सकती है। तो जो हमारी पिस्टन की पोजीशन होती है उससे हम अपने वॉल्व की ओपनिंग और क्लोजिंग करते हैं, जिनकी ओपनिंग और क्लोजिंग के थ्रू हम अपनी वॉल्व, हम अपने फ्लूड की डायरेक्शन कंट्रोल कर सकते हैं। स्लाइडिंग पिस्टन हमारी चार टाइप की होती हैं। हाँ, मेन चीज़ जो हमारे स्लाइडिंग पिस्टन में जो हमारे वॉल्व होती हैं, वॉल्व को हम वेज बोलते हैं। तो इनको जो हमारे स्लाइडिंग पिस्टन है उन्हें हमने क्लासीफाई कराया गया है और बेसिस ऑफ नंबर ऑफ वेज एंड नंबर ऑफ पोजीशन। हमारी चार टाइप की हैं, टू वे एंड टू पोजीशन। टू वे मीन्स हमारी दो पोर्ट्स हैं उसके अंदर और जो हमारा स्लाइडिंग पिस्टन है वो दो पोजीशन ले सकता है। थ्री वे एंड टू पोजीशन। थ्री वे में हमारे थ्री पोर्ट्स हैं और हमारा पिस्टन टू पोजीशन ले सकता है। फोर वे। फोर वे मीन्स हमारे फोर पोर्ट्स हैं जिनके थ्रू हमारे लिक्विड एंटर या आउट कर सकता है और टू पोजीशन जो हमारा पिस्टन है वो टू पोजीशन एक्वायर कर सकता है। फोर वे एंड थ्री पोजीशन मीन्स फोर पोर्ट और थ्री पोजीशन। सबसे पहले हम देखेंगे टू वे और टू पोजीशन। टू वे टू पोजीशन में देखिए, जो हमारी वीडियो में देखिए, हमारे जो पहला फ्लूड है हमारा फ्लूड पी पोर्ट से आ रहा है। जो हमारे पिस्टन है, हमारे पिस्टन की जो वॉल्व, वो पिस्टन कह रहे वॉल्व स्पूल है वो पहले लेफ्ट पोजीशन में है, लेफ्ट साइड है। जब वो इस पोजीशन में है तो हमारा फ्लूड पी से आ रहा है और ए से बाहर हो रहा है,
हमारे फ्लूइड को कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, बट जो हमारा स्पूल है अगर उसकी पोजीशन एक्सट्रीम राइट कर देंगे, एक्सट्रीम राइट पोजीशन में क्या हो रहा है, जो हमारा पोर्ट बी और ए है वो हमारे कवर हो चुके हैं स्पूल से, तो जो हमारी हमारे जो फ्लूड की पैसेज है वो ब्लॉक हो चुका है, जिससे हमारे फ्लूड का फ्लो नहीं हो पाएगा। तो इस वे में अपने फ्लूड को कंट्रोल कर सकते हैं कि कब हमारा फ्लूड फ्लो करे कब ना करे टू वे टू पोजीशन में। सेकंड है थ्री वे टू पोजीशन। थ्री वे मींस हमारे थ्री पोर्ट, इसमें हमारे थ्री पोर्ट हैं पी ए और आर। जो हमारी पहली पोजीशन है और उसमें जो हमारे स्पूल है, हमारे स्पूल के साथ एक स्प्रिंग भी कनेक्टेड है। स्प्रिंग का काम क्या है, जब हमारी वॉल्व एक्सट्रीम राइट पोजीशन में होगी, जब से काम पूरा हो जाएगा, तो स्प्रिंग फोर्स की वजह से हमारी वॉल्व है जो अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ जाएगी स्प्रिंग फोर्स की वजह से। तो पहली जो पोजीशन है उसमें देखिए, जो हमारा फ्लूड है वो पी से आ रहा है, पी से आते हुए एक वॉल्व के थ्रू बाहर जा रहा है, ये हमारी पहली पोजीशन में है। सेकेंड पोजीशन में क्या होगा, जब जो हमारे स्पूल है उसे हम राइट साइड की तरफ अगर स्लाइड करेंगे, तो उस पोजीशन में क्या होगा, जो हमारी स्प्रिंग है हमारी स्प्रिंग कंप्रेस कर जाएगी, और जो हमारे स्पूल है वो हमारे पी जो हमारी पी ये है पी वॉल्व है उसको क्लोज कर देगा। तो इस पोजीशन में क्या है, हमारे जो आर वॉल्व है वो ओपन हो गया है, तो हमारा फ्लूड ए वॉल्व के थ्रू आएगा और आर के थ्रू बाहर जा रहा है। तो इस वे में अपने फ्लूड की डायरेक्शन कंट्रोल करते हैं बाय पोजीशन ऑफ स्पूल। पहली पोजीशन में हमारा फ्लूड पी टू ए जा रहा है, जब हमारा वॉल्व राइट साइड मूव कर जाएगा तो हमारी फ्लूड की पोजीशन ए टू आर। नेक्स्ट टू पोजीशन वॉल्व, तय हमारे फोर पोर्ट्स हैं, वो दो पोजीशन ले सकते। पहली पोजीशन है ये वॉल्व कनेक्टेड है और कनेक्टेड है, इसमें एक मेन मैसेज है ऊपर, अब एक इंटरनल पैसेज ऊपर भी देखा, स्पूल पहली पोजीशन पे है, मैसेज वो ब्लॉक है, फ्लूड की डायरेक्शन है वो पी से है और ए से आउट, बी वॉल्व से इन और आर। जब हमारा जो अगर लेफ्ट साइड मूव करेगा उसकी ऐसे होगी, जब वो ओपन हो जाएगा फ्लूड कैसे फ्लो करेगा, ए से और आउट है ए और आर जो, और ऐसे ही हमारे हमारा फ्लूड इनपुट करेगा बी से। हमारा डायरेक्शन वॉल्व में ये जो हमारी बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल पंकज।